हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुगैस, मैं हूं बशीर। सो गाइस, पीएम मोदी की यूएन में जो स्पीच हुई है और सुना है, उसने सबको हिला के रख दिया। फुल स्पीच यूएन की मोदी जी की लेकर आए हैं। क्या क्या बोला है, 4.5 मिनट की स्पीच दी है मोदी जी ने और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच होने लगी है। आखिर तक देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, आखिर पे फिर बात करेंगे। काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक्सलेंसीज, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, आप सभी को नमस्कार। जून में अभी अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। मतलब इंसान भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है 250 मिलियन कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटल फील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को बोला करो भाई, नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरिटाइम, स्पेस चीन की बात जैसे अनेक संघर्ष के नाए नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के नहीं है, मोदी जी खुद सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। मतलब हम रेडी हैं फुल भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा
और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह यार, एक एक छोटी सी स्पीच में इतना बड़ी बात निकाल दी जिसमें सब कुछ सब कुछ टेररिज्म। सबसे पहले मैं एक बात भाई करूंगा, और होते हैं लीडर्स भाई अपने साथ पर्ची लेकर जाते हैं इतनी लंबी, उसको पढ़ पढ़ के भाई उधर से मतलब स्पीच बोलते हैं, लेकिन मोदी जी एक तो भाई मजे की बात, कोई पर्ची नहीं, कोई वो नहीं, इसी तरह जो इनको पता है इन्होंने बात करनी है वो रखी है दुनिया के सामने, और खुल के सबको पहले नमस्कार किया और राम से मतलब सबको ग्रीट करके, और दूसरी बात अपने कपड़ों में अपने जो इंडिया का ट्रेडिशनल कपड़े हैं उनके अंदर जी जहाँ भी जाते हैं अपने ये जी, और मजे की बात और मजे की बात अपनी मातृभाषा बोली, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। अब कुछ होते इंग्लिश करने की कोशिश करते हैं टूटी फूटी, वो जरूरत ही नहीं है जब अपनी जबान है, एक पावरफुल लैंग्वेज है, बोलो ये बात। और वो बात मोदी जी ने किया, मजा आया। सबसे बड़ी बात ये है कि यूएन के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, मतलब एक इंडिया अपने औरों के लिए भी बात कर रहे हैं कि वो रिफॉर्म्स हो, जिस तरह G20 में कराए थे, और अभी जो बोल रहे हैं कि वीटो में जो है ना बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इंडिया के अभी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वीटो पावर मिल जाए और रिफॉर्म हो जाए, क्योंकि इंडिया अब से नहीं एक दो साल हो गए इंडिया इसके ऊपर मुसलसल काम कर रहा है, और अगर देखा जाए तो ये होनी भी चाहिए। इंसानियत की बात की, ह्यूमैनिटी के बारे में, आतंकवाद की बात की है, ह्यूमैनिटी की बात की है, उन्होंने कहा है कि मतलब हम अपनी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है यूपीआई के साथ साझा करने के लिए तैयार है। तो मतलब हम इस पे भरोसा रखते हैं कि एक फैमिली है, एक अर्थ है, एक फैमिली है, मतलब हमारी सारी एक ही इनका फिर फ्यूचर है, हम इसके ऊपर भरोसा करते हैं, और हम बैटल फील्ड जो दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं उसको खत्म करने की सीधी सी बात मतलब मोदी जी ने किया, और सिंपल सी बात है, उनके कहने का मकसद ये था ना कि वाकई में ये दौर युद्ध का नहीं है, ये दौर मिलकर आगे बढ़ने का। मजे की बात ये भी किया, मिलकर आगे बढ़ने की भी किया, और मोदी जी ने यार बड़े वो क्या बोल रहा था 250 मिलियन लोगों को कहा जा रहा है कि मतलब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिया, मतलब बहुत गरीब जो थे उनको बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है यार। ये फिर यार देखो एक लिमिटेड एक छोटी सी स्पीच में इतनी बातें करना मैं मानूंगा इस चीज वाकई में। और यार ये सच बताऊं, लंबे चौड़े भाषण कोई आकर दे जाता है उससे फायदा नहीं है, 4 मिनट की स्पीच थी उसमें उन्होंने पूरा निचोड़ निकाल कर रख दिया, इस तरह होगा। तो आपका क्या कहना है, कैसी लगी स्पीच बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।